वेलकम बैक टू ऑल न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू द गौरव शुक्ला व्लॉग्स। तो बात क्या है कि आपको याद होगा आज से करीब 1.5 से 2 महीना पहले मैं आपको लेके गया था एक मंदिर से, बोलते सुजावन देव मंदिर, याद है ना आपको? एकदम यमुना रिवर के बीचों बीच है वो, तो बहुत अच्छी लोकेशन है वो। तो आज थोड़ा मौसम ठीक है, वैसे आज तो करीब 1.5 से 3 महीने बीत गए उस वीडियो को बनाए हुए मुझे। तो मैं सोच रहा था कि वहाँ जाने को, यार सबसे बड़ा कारण पता क्या हो गया, जैसे कभी कभी मोटर ब्लॉगिंग करता हूँ ना, तो मोटर ब्लॉगिंग में एक जे माउंट होता है, एक एम माउंट होता है। तो जे माउंट जो है वो मेरा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है वो, तो इसलिए यार मोटर ब्लॉगिंग सोचा था करेंगे लेकिन वो हो नहीं पाएगी। लेकिन चलिए ठीक है, आपको रास्ते का व्यू तो दिखाते रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे जा सकते हो, ये आप ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि आपने मंदिर वाला ब्लॉग तो पहले देखा होगा तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा लोकेशन दिखाए थे आप कैसे जा सकते हैं प्रयागराज से। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर, इस जगह को हम लोग कहते हैं लेप्रोसी नैनी चौराहा ठीक है। तो अगर इन द केस आप जा रहे हैं तो इसी चौराहे से आप जाएंगे आगे, और यहाँ से करीब 22 किलोमीटर पड़ेगा एक्जैक्टली। अभी हम लोग प्रयागराज में ही हैं, अगर आप यहाँ पे आने के बाद राइट साइड अगर आप मुड़ जाएंगे ना, मतलब अगर आप ये वाला रूट अगर लेंगे ना, ये वाला रूट, तो आप नैनी चले जाएंगे सीधा, और ये वाला रूट सीधा आपको लेके जाएगा यहाँ से सुजावन महादेव मंदिर या देवर कोठार या जितने भी साइड्स ना आप देवर कोठार गए होंगे ना मेरे साथ, मैं वहाँ भी लेके गया हूँ, क्यूटी फॉल और जितने भी वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर सब इधर ही सीधा लेके जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे आ रहे हैं और आपको बस वगैरह टिकट करवाना हो ना, तो लेप्रोसी चौराहे के ठीक सामने पड़ेगा भैया की शॉप। भैया की शॉप का नाम क्या है? विजय एंड आभा ट्रेवल। तो ठीक है, आपको टिकट एसी नॉन एसी केवल, लेकिन एक बात है भैया के यहाँ केवल बस की सुविधा है केवल ना, ट्रेन की नहीं है। तो आपको इंडिया में किसी भी कोने में आपको जाना हो तो भैया से कॉन्टेक्ट करना आप लोग। और मैंने थोड़ा बहुत बात किया, क्योंकि मेरे को दिल्ली आना था ना, मैंने भैया से पूछा, भैया आपको टिकट कहीं कहीं मिल जाएगा, पुणे हुआ, बॉम्बे हुआ, कहीं का सेम डे ना, एग्जैक्टली मतलब तुरंत आपको मिल जाएगा। मैंने ये पूछा था यहाँ से दिल्ली तक का किराया, भैया ने बताया था 1400-1500 अप्रॉक्स बताया था। चलो ठीक है, आ जाना यहाँ पर, तभी चलते हैं। तो बड़ी रेडी, देखो आज हमारे साथ दोनों हीरो की गाड़ी है, ये स्प्लेंडर हीरो, ये भी हीरो की जड़ मार, दोनों हीरो ही हम लोग हीरो हैं, वो बात अलग है, मन से हीरो हैं लेकिन फिर भी हीरो हैं ये सही है। चलो ठीक है, आज कितनी चलाएगी हमारी गाड़ी, लेकिन भैया गिराना नहीं भाई, मेडल जीते हैं रेस में। अरे नहीं नहीं समझ गए हम, तो बात वो निकल चुके हैं, तो गाड़ी चला रही है हमारी, कैसा लग रहा है गाड़ी चला के हमारी? बहुत अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। करीब यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ेगा आपको, और ये है, हाँ बारिश होने लगी है देख रहे हो, और ये अभी हम लोग हैं NH30 पर ठीक है, आपको करीब यहाँ से 45 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से। चलो देखो अभी शॉर्ट देखो रोड का, फिर मिलता हूँ आपसे ठीक है थोड़ी देर। कि हम लोगों ने प्लान किया था जाने का सुजावन महादेव मंदिर ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मतलब मेरे साथ जो बंदी बाइक चला रही थी वो 22 किलोमीटर करीब चलते चलते आगे आ गई। तो हम लोग कोई बात नहीं, जो केटी मेरे साथ थी ना, तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं सुहागी पहाड़। वैसे आप लोगों ने वैसा बहुत बार देखा है सुहागी पहाड़ यार, मतलब मैं कैसे जिक्र करूँ इस जगह के बारे में, जब भी हम जाते हैं हमेशा आपको दिखाया हुआ है मैंने। मेरे को याद है जब मैंने क्योटी फॉल किया था तब भी मैंने आपको वहाँ के सुहागी पहाड़ का शॉट दिखाया था, उसके बाद जब हम लोग देवरगढ़ गए थे वहाँ का भी शॉट दिखाया था। तो अभी आज दोबारा जा रहे हैं, अब देवरगढ़ पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको शॉट मतलब सुहागी पहाड़ का व्यू जरूर दिखाएंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग के ढाबे पर रुके हैं, इसका नाम है जय महाकाल न्यू रेस्ट क्या रिवांचल यादव ढाबा। तो आप यहाँ पर आना, यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इन दिखे आप आ रहे हो तो यहाँ पर कुछ खाना वाना खा के निकल जाना सीधा। तो मैंने आपको इसके शॉट बहुत सारे दिखाए हैं, बट आई एम हेयर अगेन सुहागी पहाड़। और लकी अगर यार तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ गए होगे तुम, मेरे को याद है लकी लास्ट टाइम आया था चढ़ते हुए चला गया था सुहागी पहाड़ के ऊपर, अगर आप लोगों ने बहुत शॉट, तुमको याद है वाला शॉट? पत्थर लेके पता नहीं क्यों चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आता पत्थर लेके आने की आप लॉजिक है। अगर मौसम अच्छा ना होता ना, मतलब अच्छा ना, मतलब एकदम सनी होता तो फिर हम लोग मतलब सनी लियोनी दे सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं क्योटी फॉल, अभी मैं वो जब वो पत्थर लेके नहीं आ रहा था वो, अभी वो ब्लॉग नहीं देखा तुमने? अच्छा तो आज जाके देखना, तो पत्थर लेके आ रहा था लकी मेरी तरफ। बात ये ना गाइस कि भैया का मैं वही ब्लॉग देख पाता हूँ जो यूट्यूब ना रिकमेंड करता है क्योंकि भाई बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, और गौरव भैया को मैं बहुत कम टाइम से जानता हूँ यार, तो मैं बेसिकली
ये नहीं चाहता हूँ यार कि भैया को मैं बहुत जल्दी जान लूँ या फिर मैं भैया सारे ब्लॉग एक दिन में देख लूँ। नहीं तो मैं आराम से एक एक ब्लॉग देखता हूँ जो मुझे रिकमेंड हो जाता है। आप लोग भी अगर देखना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूँगा, जाकर देख लेना, अच्छी लोकेशन है। वैसे तो मैं इसके आगे भी गया था, आज मैं यहाँ से वापस चला हूँ घर, क्योंकि एकदम रैंडम सा प्लान बन गया, जाना कहीं था चले आया कहीं और। तो क्या बोलूँ यार, बताइए तो पहले जाने वाले कहाँ थे एक्चुअली। हम जाने वाले, वैसे मैंने ब्लॉग में स्टार्टिंग में बताया था आप लोग, हम लोग सुजावन महादेव मंदिर जाने वाले थे। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से ऊपर, फोटोग्राफी लोकेशन है, मैं आपको दिखा दूंगा। आप यहाँ अगर आप इंदिगेस यहाँ पे आ रहे हैं तो मतलब बेस्ट पैराडाइज कह सकते हो आप फोटोग्राफी के लिए, पैराडाइज मतलब आप यहाँ पे फोटो अच्छी ले सकते हो। देख लो पीछे पूरा पहाड़ आ रहा है, मतलब बाइक पे फोटो ले, देखो बाइक देखो आप सामने दिख रही होगी यहाँ से। तो चलो ठीक है चलते हैं फिर आगे आपको लेकर। ये देखो भैया मिल गया, भैया हाय कर दिया, हाय कर दिया है, अरे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, ये भैया आप भी। तो बात क्या है कि सुहागी पहाड़ पर भैया लोग आपको मिलेंगे ट्रक में, ठीक है। तो हमको लगा चलो ठीक है इनसे थोड़ा आज रूबरू हो लिया जाए। बात क्या है कि बात कुछ नहीं है, अब जो है यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और लोकेशन काफ़ी अच्छी है, आगे इनके फोटो वगैरह लेनी तो आप आगे यहाँ पर फोटो वगैरह लेना। और बाकी अब जो हम लोग जाएंगे, मैं और प्रवीण, हम लोग जाने वाले हैं मिर्ज़ापुर के वाटरफॉल्स। तो प्रवीण चलना है ना गुरु, तो मिर्ज़ापुर के वाटरफॉल कवर करना है हम लोगों को। अभी मैं जाने वाला हूँ बाहर कहीं जाना, उसके बाद मैं कवर कर फिर वापस आऊँगा, फिर जाएंगे हम लोग, ठीक है।